महोदय, सभी ऑनरेबल टीचर्स, मेरे साथ जो पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, मुझे उनकी भी याद आ रही है जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं सारे बच्चे, उन सबको मेरा बहुत बड़ा नमस्कार प्रणाम। सभी पेरेंट्स को जो यहाँ पे आए हुए हैं, अभी जब मैंने ये पोडियम पे आई हूँ तो मुझे एकदम से याद आया कि कितनी बार यहाँ पे पोडियम पे डिबेट कॉम्पिटिशन में, और आशीष भैया कह रहे थे, वो बता रहे थे कि मॉर्निंग असेंबली होती थी और थॉट ऑफ द डे में मैं टैगोर हाउस से थी, तो मुझे आपके टीचर्स कहती थी इस हफ्ते इज्जा एक भी पार्ट नहीं बोलेगी, क्योंकि इज्जा के मैक्सिमम अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो चुके हैं बोलने के, क्लास में भी ऐसा रहता था कुछ भी आंसर कहना है तो मैं बताऊंगी, मैं बताऊंगी। अभी मुझे सब याद आ रहा है, मानस सर की इतनी ज्यादा याद आ रही है, मुझे लगता है मतलब मेरा उनसे जो आखिरी इंटरेक्शन था वो यही था कि बस अब इज्जा बहुत तुमने इधर उधर जॉब कर ली, अब अगली बार आना तो आईएएस टीचर्स कुछ बन के आना। एंड लाइक टुडे आई एम हियर स्टैंडिंग एज एन टीचर्स ऑफिसर एंड आई होप सर इज वॉचिंग अस, कहीं से उनका आशीर्वाद था और वो देख रहे हैं तो सर आप देख लीजिए कि आपका सपना सर हो गया। मैं आप सबको अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, मैं ब्राइटलैंड में आई जब मैं क्लास थर्ड में थी और क्लास एट्थ में मेरे फादर एक्सपायर हो गए एंड आई एम दी ओनली चाइल्ड, तो मेरा कोई भाई बहन नहीं है, बस मैं और मेरी मदर थे और हम लोग रिसेप्शन पे नीरू मैम होती थी और उनसे टीसी लेने आए, तो मैम ने बोला कि तुम इतनी अच्छी स्टूडेंट हो तुम कैसे जाओगी, तुम्हें सर ने बुलाया है तुम सर से मिलो, और सर हमसे मिले और उन्होंने मेरी मम्मी को बताया कि आपकी बच्ची को इस स्कूल से मैं अपने हाथ से कभी टीसी नहीं दूंगा। और हमारी वो स्थिति थी कि हम ब्राइट लाइन से निकलते हैं तो किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाके हिंदी मीडियम में पढ़ती मैं, और सर ने बोला कि जब तक ये यहाँ पे रह रही है एक पैसा फीस चार साल रिस्पेक्टेड मानस सर ने मुझसे ले ली, एक पैसा फीस। ऑन द कॉन्ट्रेरी जब सब बच्चे पिकनिक में गए तो दो साल मैंने अवॉइड किया, हमारे पास कोई फोन तो सिस्टम नहीं था, सर गार्ड भैया तो मेरे हर बोल के मुझे बुलवाते थे कि ये बच्ची पिकनिक भी जाएगी, मेरे लिए कॉपीज का रूल नहीं था, मैं कॉपी कहीं से भी खरीद सकती थी, ब्राइटलैंड की कॉपीज की जरूरत नहीं होती थी। मैं यहाँ से पास आउट करके गई हूँ तो सर ने मुझे 11,000 रुपए की कैंडी दी थी और वो मुझसे कहते थे कि तुम्हें आगे जो भी पढ़ना है जो भी करना है तुम करोगी, आई एम हियर टू सपोर्ट यू। मेरे फादर दुनिया में समय का गेट में भी सब चले गए और सर का नाम राम मानस था और मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने उन्हें राम के रूप में मेरे जीवन में भेजा। वो मेरी जिंदगी का वो दौर था जब मेरे अपने सगे रिलेटिव जिनके साथ मेरे फादर ने बहुत कुछ किया होगा, कोई दो पैसे की मदद करने के लिए नहीं था। मैं आपको यकीन बताऊं मैम, शायद तब कह नहीं पाई हूँ, हमारे लिए एक महीने की फीस जोड़ना इम्पॉसिबल था, 2 रुपए तो आप मेरी मदर नहीं कमाते थे, हम क्या करते। 4 साल 9, 10, 11, 12 मानस सर ने मुझे इस स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, कहीं एक पैसा नहीं लिया। आज लोग राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, बड़े बड़े स्कूल, इससे बड़ी तो क्या चैरिटी करेगा, आपने एक बच्चे की जिंदगी बना दी, उसे वहां से ध्यान ले आए हमारे बीच में लिए सर जरूर हिमर्सिंग। और जब वो गए उनके ऊपर तो जरूर भगवान ने उनका वेलकम किया होगा कि उन्होंने जो काम दुनिया में किए हैं मेरे लिए, तो मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे लिए ब्लेसिंग की तरह थे सर। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं ब्राइटलैंड के फंक्शन में आई हूँ, मैं आपको यकीन बताऊँ मैं मेरा आखिरी बार सर से 12th में इंटरेक्शन था जब फेलिसिटेशन सेरेमनी हुई थी और ऑन स्टेज में और मेरी मम्मी थे और हमें फेलिसिटेट किया था, और मैंने अपनी मम्मी से बोला था कि मम्मी अब जब भी सर से मिलूंगी तो अपने पैरों पर खड़ी होकर मिलूंगी, क्योंकि अब 4 साल उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस मैं उन पर डिपेंड होकर पढ़ी हूँ। और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने IBBS का एग्जाम दिया, बैंक में मेरी पोस्टिंग हो गई और मुझे याद है मैं आई यहाँ पे मिठाई लेके सर के पास, सर यहाँ बैठे थे और मैंने कहा सर आप सोचते होंगे कि कितनी एहसान सर आपको लगी है कि 30 साल को झांकने नहीं आई, पर सर मुझे आपके सामने डिपेंड होके आना अच्छा ही नहीं लग रहा था, तो मुझे आप उन्होंने पूछा क्या आप डिपेंड हो गई हो, इंडिपेंडेंट हो गई हो, मैंने मेरी आंखों में जस्ट माई आईज वर रेड, हिज आईज वर रेड, आई थिंक सर मेरी बैंक में जॉब लग गई है, गवर्नमेंट बैंक में जॉब लग गई है। एंड आई रिमेम्बर उन्होंने टॉफी दी, फ्रूटी खिलाई, मिठाई नहीं खाई, उसको क्या होगा मिठाई तुमसे नहीं खाऊंगा, और उसके बाद एक दो बार मिले तो अगली बार बोले मतलब बैंक की बहुत तुमने इज्जत नौकरी कर ली, तुम बैंक के लिए नहीं बनी हो, तुम सिर्फ उस पर फोकस करो, और मुझसे बोले अभी शादी वाली का मत सोचना, तुम पढ़ाई करो, तुम IAS टीचर कुछ करो। और फिर कुछ दिन के बाद पता चला कि सर हमारे बीच नहीं रहे, सर नहीं रहे पर उनकी मेमोरी, उनकी ब्लेसिंग, उनका ऑरा इस कैंपस में आज भी है, मैम पूरे यकीन
भी बहुत बड़ा रिश्ता रहा होगा कि मतलब मैं बिल्कुल नहीं जानती थी उन्हें और उन्होंने मेरी जिंदगी बना दी, बदल दी, मुझे काबिल बनाया। मैं जो कुछ भी हुई आई एस पी सी एस की बहुत छोटी चीजें, मुझे इंसान इस स्कूल ने बनाया। वो हौसला कि इतनी बुरी परिस्थितियों में रहने के बाद भी वो हौसला कि मैं कुछ कर सकती हूँ, वो मुझे ब्राइट लैंड के कैंपस से मिला है। 11th 12th मैंने साउथ एशियन फाइनल्स में यूपी से ब्राइट लैंड को रिप्रेजेंट किया था। ये सारे मौके हमारे जीवन में तब आए जब मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं था, लिटरली कुछ नहीं था। 12th के बाद हुए बीकॉम, मैंने ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाया है। लेकिन 4 साल जब मैं यहाँ पढ़ती थी तो मुझे लगता ही था कि पढ़ाई का कोई खर्चा होता है, क्योंकि मैं तो बस आती थी, मैं पढ़ती जाती थी और टीचर्स मुझे बहुत यहाँ पे दुलार करते थे, सबने बहुत मोटिवेट किया। सर बोलते थे सिविल्स की तैयारी करो, टीचर्स बोलते थे सिविल्स की तैयारी करो। इस कैंपस ने तो मतलब मेरी हस्ती बनाई है, मैं यहाँ हूँ, मतलब मैम ने मुझे इतना मान सम्मान दिया कि और ज़्यादा है, तो मुझे यहाँ से मिल चुका है। इसके बाद आई एम नथिंग टू आस्क फॉर, लिटरली नथिंग टू आस्क फॉर। और आप यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स आए हैं, आपने ब्राइट लाइट से अपने बच्चों को पढ़ाया है, बहुत बड़े बड़े नाम होंगे, जैसे आशीष भैया ने बोला वुड बी टेकिंग नेम टू मेनी स्कूल, पर जितनी आत्मीयता से इस स्कूल के टीचर्स अपने बच्चों पर मेहनत करते हैं, जितने पर्सनलाइज तरीके से प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर मैम, सर एक एक बच्चे को इतनी इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं, ये नहीं मिलता बहुत जगह पे। मैंने देखा है क्योंकि मेरे बाद मेरे छोटे भाई ने बहुत जगह पढ़े हैं और मैंने नहीं देखा उनमें ये कॉन्फिडेंस। यहाँ पर एक्स्ट्रा, अगर आप अपने बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एनरोल नहीं करा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप, हम पढ़ाई भी करते थे यहाँ पे डिबेट्स में और काउंसिल मेंबर भी थे। मतलब इस स्कूल में अभी आ रही थी तो मुझे लग रहा था सच में वो जो पीटीएम वाली बात है ना, मुझे लग रहा था जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग में जा रहे हैं। अभी मैम बोली कि आप पंक्चुअल नहीं है, बिल्कुल भी दो छोटी बना के नहीं आ रही है। राइट लैंड ने जो भी कुछ मुझे दिया, यहाँ के टीचर्स ने जो भी कुछ मुझे दिया, स्पेशली मानस सर और मानस मैम ने जो भी कुछ मुझे दिया, इस जन्म में और अगले 7 जन्मों में वो एहसान में चुका ही नहीं सकती। मतलब मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कुछ भी कह लूँ, मेरी मम्मी इमोशनल हो गई है, जब घर में भी बात होती है तो वो इमोशनल हो जाती है। पर आप सोचिए कि जिसके पास कहीं जाने का रास्ता ना हो, उसे लगे कि अब जिंदगी में क्या कर पाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, और सडनली 10 years later आई एम हियर स्टैंडिंग एज अ थीसिस ऑफिसर। दिस इज अ मिरेकल, मिरेकल विच वाज आई वुड से एंकर्ड बाय रिस्पेक्टेड मानस सर एंड बाय दिस कैंपस। मेरी अपनी कोई स्ट्रगल स्टोरी इंडिया में कभी की है, कौन है जिसने स्ट्रगल नहीं किया। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, फिर बाद में मैंने मेरी मम्मी के ट्यूशन पढ़ाए, ग्रेजुएशन के बाद मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में बैंक में जॉब शुरू करी। जॉब के साथ मुझे लगा सिविल्स की तैयारी करनी है, तो मैंने जॉब के साथ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करी। थ्रू द प्रिपरेशन 2018 पीसीएस में मेरा सिलेक्शन हो गया। राइट नाउ आई एम पोस्टेड एट एआरटीओ कन्नौज और अभी यूपी पीसीएस ऑफिसर। आगे अगर कोई और एग्जाम क्रैक होता है तो फिर से आऊँगी आप सबके बीच। लेकिन अभी जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, वो एक जावेद अख्तर की कोई लाइन है ना कि जरा मौसम तो बदला है मगर पेड़ों की शाखों पे नए पत्तों को आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। तो ये वो वाला स्टेज है कि अभी आप लोग 12th करके निकले हो, 10th करके निकले हो, जी तोड़ मेहनत करनी है, कुछ भी कर सकते हो यार। अभी तो यू हैव योर होल लाइफ इन फ्रंट ऑफ यू, परसेंटेज बहुत अच्छे आए, वेरी गुड, कम अच्छे आए, नथिंग टू लूज, हू इज गोइंग टू लुक आफ्टर योर परसेंटेज व्हेन यू हैव अ ग्रेट पूल ऑफ नॉलेज। आगे आने वाला दौर तो वो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज का है। आप जितने टैलेंटेड हैं, यू कैन मेक एनीथिंग ऑफ योरसेल्फ, यू कैन बी अ सिंगर, यू कैन बी अ डांसर, यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, यू कैन बी अ सिविल सर्विस ऑफिसर, आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, सो मेनी थिंग्स टू डू। लेकिन अभी टाइम है मेहनत करने का। अभी दुनिया में बहुत सारा हो, जो मैम ने बोला कि शोबाजी बहुत है, रेस्टोरेंट है, पार्टीज हैं, पब्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, घूमना टहलना है, सोशल मीडिया है, हर चीज को बहुत बैलेंस टाइम देना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस पर उतना ही टाइम लगना चाहिए जितना किसी पढ़ाई वाले बच्चे का लगता है। अभी 4-5 साल मेहनत कर लो, उसके बाद कौन पूछता है क्या करोगे, तो पूरी जिंदगी ऐश करना है, घूमना टहलना, फ्रेंड्स बनाना, पार्टी करना। Just work hard and I wish you may our life of like this is not, I'm not chief guest, I'm just a special, not even guest, I'm a member of this family, just a little special, kyunki Manas sir ne special bana diya humne, to hum yahan special ban ke aa gaye. May our time increase, may a lot of the students who are right now sitting here may come here as bright officers, entrepreneurs and raise this
फेस अगेन एज चीफ गेस्ट, मतलब ये ब्राइट टाइम के लिए इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती कि हम ही सब वापस से आगे वाले सोफे पे बैठे हैं। एंड आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि जल्दी से आप लोग वहां से यहाँ वाली जर्नी एज सून एज पॉसिबल कवर करें, अपने पेरेंट्स के साथ आए, मेक ब्राइट लाइन प्राउड, मेक ट्वेंटी लेटर, मेक योर स्कूल, मेक योर टीचर्स, एवरीबडी प्राउड। जस्ट अपना अच्छा करिए और यहाँ से जो आपको एजुकेशन मिली है ना, जो प्लेटफॉर्म मिला है, आप आज से पांच साल बाद रियलाइज करोगे मेरी बात में कह रही हूँ ना, आपको भी दिमाग में आएगा कि हाँ ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। अच्छा, ये सब जब मैम कहती थी ना कि अरे तुम बोलो स्टेज पे, तुम बोल सकते हो, तुम अच्छा बोलती हो, ये कॉन्फिडेंस वहाँ से आया। ये आप पांच साल बाद रिफ्लेक्ट करोगे कि व्हाट इज बेस्ट ऑफ एजुकेशन, आप यू आर ऑन योर ओन, जो ट्वेल्थ करके जा रहे हैं ना, अब यू गाइड योर ऑन योर ओन, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो एंड मेक एवरीबडी प्राउड। एंड थैंक यू सो मच सर, मैम, ब्राइट लाइन फैमिली, आया मैम जितनी भी है, टीचर्स है, दीपाली मैम यहाँ पर है, आशा मैम है, सब टीचर्स मुझे दिख रहे हैं, लाइक और जो यहाँ पर टीचर्स नहीं है अभी जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, कोटि कोटि आभार। मतलब ये दिस इज नॉट अ वर्ड दैट आई एम सेइंग, दिस इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एक लिटरली यतीम बच्चे की इस स्कूल ने ये जिंदगी बनाई है, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच।